नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लियोफेन एक्सेल कैप्सूल का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को कैसे लेना चाहिए और लियोफेन एक्सेल कैप्सूल की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और मांसपेशियों के दर्द, मांसपेशियों की जकड़न, मांसपेशियों की कठोरता और मांसपेशियों की ऐंठन से राहत दिलाता है। सेरिब्रल पॉल्जी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रीढ़ की हड्डी या सिर में चोट लगने की वजह से और अन्य नर्वस सिस्टम की बीमारियों की वजह से मांसपेशियों में जकड़न, ऐंठन, कठोरता और दर्द होने की समस्या हो सकती है। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल शरीर की मांसपेशियों को रिलैक्स करके मांसपेशियों की जकड़न, कठोरता, ऐंठन और दर्द से राहत दिलाता है। लियोफेन एक्सेल एक ब्रांड नेम है। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन बैक्लोफेन होता है। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल 10 mg, 20 mg, 30 mg व 40 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में लियोफेन एक्सेल कैप्सूल की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में लियोफेन एक्सेल कैप्सूल की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे शरीर में थकान व सुस्ती होना, नींद अधिक आना, उल्टी आने का मन होना, सिरदर्द होना, चक्कर आना, त्वचा पर रैशेस, मुंह में सूखापन होना, पसीना अधिक आना और पेशाब के लिए बार बार जाना आदि साइड इफेक्ट्स लियोफेन एक्सेल कैप्सूल की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। वैसे लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेने के बाद उल्टी आने का मन होना और पेट में बेचैनी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को खाना खाने के बाद या दूध के साथ लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेना रेकमेंडेड होता है। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल एक एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल है जो शरीर में धीरे धीरे घुलता है और एक्सटेंडेड रिलीज दवाओं का असर लंबे समय तक रहता है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को दिन में एक बार ही लेने की सलाह देते हैं। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिस्कस करेंगे कि लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लियोफेन एक्सेल कैप्सूल के साथ आपको शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को नींद आ सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लियोफेन एक्सेल कैप्सूल का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए लियोफेन एक्सेल कैप्सूल का सेवन करना सुरक्षित है, इसलिए डॉक्टर जरूरत पड़ने पर स्तनपान करा रही महिलाओं को लियोफेन एक्सेल कैप्सूल को लेने की सलाह दे सकता है। अगर किसी व्यक्ति को लियोफेन एक्सेल कैप्सूल या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट जैसे बैक्लोफेन आदि से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को लियोफेन एक्सेल कैप्सूल का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लियोफेन एक्सेल कैप्सूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।